हेलो नमस्ते आई एम दीपाली गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग मेल कॉन्स्टेबल के एग्जाम का सॉल्यूशन कर रहे हैं राइट मेल कॉन्स्टेटेबल में हुए थे हमारे चौबीस पेपर जिसमें से हमने दो क्वेश्चन पेपर्स जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिए हैं ठीक है थीके? तो मैंने आपको बोला था कि जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि सारे, सारे के सारे मेल कॉन्स्टेबल के क्वेश्चन को हम कम्प्लीट कर दें ताकि हम फिर नए क्वेश्चन पे जा सके ठीक है बट टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है हम लोग साथ में ही दूसरे सिलेबस को भी लेकर चलेंगे ठीक है मेल कॉन्स्टेबल का सॉल्यूशन भी साथ में लेकर चलेंगे और साथ में ही नेक्स्ट जो भी वीडियो आपको मिलेगी वो डेफिनेटली आपको नए क्वेश्चंस की मिलेगी जिसमें आपको ग्राम सचिव के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट डाटा मिलने वाला है ठीक है तो बने रहिएगा हमारे साथ ताकि आपको हर टाइप का डाटा देखने को मिले इसके अलावा देखो थ्यूरी जो है वो भी हमारी चलेगी बट फिलहाल के लिए एक बार थोड़ा क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दो थ्यूरी पर कम ठीक है चलिए देखते हैं साइंस के क्वेश्चन हम लोग ठीक है तो ये है हमारा सबसे पहले तो देख लीजिए ये है हमारा इकतीस अक्टूबर दो हजार इक्कीस की मॉर्निंग शिफ्ट का तीसरा सेट पहले दो सेट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं ठीक है चलिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास इफ द फीमेल पेरेंट्स बियर बाई सेक्शुअल फ्लावर्स रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डेह यूजिंग अ पेयर ऑफ फोर से दिस स्टेप इज रेफर टू एफ यदि मादा जनक उभयलिंगी फूल धारण करती है तो फूलों की कली के खिलने से पहले ही फोरसेप्स का उपयोग करके पराग कोशों से पराग केसर को हटाना जरूरी है इस क्रिया को क्या कहा जाता है देखो होता क्या है जब आ, देखो पोलिनेशन आप सभी को पता है क्या होता है पोलिनेशन होता है जब मेल ग्रेन जो है वो फीमेल की स्टिग्मा पर जाकर गिरता है ठीक है वो क्या है पोलिनेशन है तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान क्या रखना है देखो जो एंथर होते हैं ना ये एंथर है हमारा ठीक है इस एंथर में ही होते हैं पोलन ग्रेन और ये होती है स्टिग्मा कुछ इस तरीके से और नीचे इसके होती है ओवरी ठीक है यहां से पोलन ग्रेन को यहां गिरना ही पोलिनेशन कहलाता है लेकिन ये क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि एंथर को क्या कर दिया जाए एंथर को पहले ही रिमूव कर दिया जाए यानी कि इस मेल पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा यानी अब ग्रेन नहीं होंगे अब इस रिमूवल को क्या कहते हैं तो आपको याद रखना है कि इस रिमूवल को कहते हैं इमेस्क्यूलेशन क्या कहते हैं इमेस्कुलेशन? अब आप लोगों को डाउट होगा कि मैम बैगिंग क्या है तो बैगिंग होता है स्टूडेंट्स कि अगर कोई फूल है मान लीजिए कोई फूल है ठीक है इसमें मेल पार्ट भी है और इसमें फीमेल पार्ट भी है कई बार क्या किया जाता है इस फूल को पूरी तरीके से रैप कर दिया जाता है पोलोथिन के अंदर ठीक है यानी इसको पूरी तरीके से बैग से कवर कर दिया गया ताकि बाहर का कोई पोलन ग्रेन आकर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ना करे या यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना करे ठीक है तो उसे बोलते हैं बैगिंग लेकिन इमेस्कुलेशन क्या है इमेस्कुलेशन है फोरसेप की मदद से फोरसेप होती है मतलब चिमटी आप बोल सकते हो कुछ इस तरीके की एक चिमटी होती है ठीक है उसकी मदद से क्या करना एंथर को रिमूव कर देना ताकि क्या ना हो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो ठीक है स्वपरागन ना हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट <clears> क्वेश्चन <throat> है स्टूडेंट्स देखते हैं कहाँ पे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यस क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आपके पास है एल्यूमिनियम फोसफाइड इज़ यूज एज एल्युमिनियम फोसफाइड का उपयोग क्या है तो ये एक धूमन की तरह यानी कि एक फ्यूमिगेंट की तरह इस्तेमाल होती है फ्यूमिगेंट क्या होते हैं इसमें से एक स्मेल आती है जो कि कीटाणुनाशक होते हैं ठीक है ठीके? तो फिनाइल वगैरह में डलती है ये या फिर दवाई की तरह इस्तेमाल की जाती है ये ठीक है कीड़े मकोड़ों को मारने की दवाई की तरह क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज एग्जांपल फॉर सिंपल अम्बेल इन फ्लोरोसिस अम्बेल इन फ्लोरेंसिस्स का अम्बेल पुष्प क्रम का उदाहरण क्या है देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ये अम्बेल फ्लोरोसेंस क्या होता है ठीक है तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अम्बेल फ्लोरोसेंस क्या है देखो जब एक ही जगह से काफ़ी सारे फूल की पत्तियाँ निकल जाए ठीक है जैसे कि प्याज आपने देखा है बिल्कुल एक ही जगह से उसकी सारी पत्तियाँ इस तरीके से निकलती है ठीक है तो ये होता है प्याज तो प्याज के अंदर क्या होता है अंबेल इन्फ्लोरसेंस होता है एक ही जगह से सब कुछ निकलता है तो ए प्याज यानी अनियन इसका आंसर चला गया ठीक है <sharp> नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का कहां पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन सेवरल राइबोफोम में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कोल्ड देखो क्या होता है ऐसा होता है एक राइबोसोम ठीक है स्मॉल यूनिट बिग यूनिट ये हमने बात की हुई है ये होता है एक राइबोफोम ठीक है अब कई राइबोफॉर्म क्या करते हैं जब एक ही चेन के ऊपर इस तरीके से अरेंज हो जाए इस चीज को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स तो इसे बोलते हैं पोलीजोम क्या बोलते हैं पोलीफोम तो ऑप्शन सी इसका आंसर चला जाएगा क्या हो रहा है देखो काफी सारे राइबोफॉर्म एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए इसके अलावा आप लोग जानते हैं राइबोफॉर्म का काम क्या होता है राइबोफॉर्म हमारे प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं यानी प्रोटीन बनाते हैं है ना नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है कि राइबोसोम अकेले ऐसे ऑर्गेनेली होते हैं अकेले ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके पास कोई भी झिल्ली यानी नहीं होती ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 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 की तरफ क्या है देखिए हमारे पास नंबर न्यूट्रिटिव टिश्यू सप्लाई फूड टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स कौन सा पोषक तत्व विकासशील परागकणों को भोजन की आपूर्ति करता है तो देखो जो पोलन होते हैं ना पोलन जो होते हैं देखो कुछ इस तरीके से ग्रो करते हैं एंथर के अंदर ये है हमारे एंथर के अंदर चार लोब ठीक है और इनके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन ठीक है इनके बाहर क्या होती है इस तरीके से काफी सारी लेयर्स होती है ठीक है तो ये जो लेयर्स होती है ना ये काम क्या करती है ये काम करती है एक तो इस पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करने का दूसरा इन्हें नरिशमेंट देने का यानी खाना पोषण देने का जैसे कि आ, मदर की कोक वॉर्म में ठीक है माँ की कोक में क्या होती है एंडोमेट्रियम की लेयर होती है अंदर वाली जो झिल्ली होती है उसकी लेयर होती है जो कि बच्चे को क्या देती है पोषण देती है उसी तरीके से यहाँ पर पोषण कौन देता है टैपेटम यहाँ पर पोषण देती है क्लियर है कौन देता है टैपेटम यानी ए इसका आंसर चला जाएगा क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ओके okay, ये थोड़ा जूम आउट हो गया है इसे जूम इन कर लेते हैं ले कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ओके okay, इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हिंदी है क्या एक मिनट ओके okay, तो इसमें हिंदी हमें नज़र नहीं आ रही कोई बात नहीं सिर्फ इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ पे है अच्छा ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स देखते हैं द लोगो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच एनिमल देखो आप सभी जानते हो भारतीय रिजर्व बैंक के ऊपर जो लोगो बना होता है वो किसका होता है टाइगर का होता है ठीक है बाघ का होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साइंस का मिल गया क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन क्या है देखिए कोरेल्फ हैव स्केलेटल कंपोस्ट ऑफ कॉरेल्स के पास किसका बना हुआ स्केलेटल होता है यानी कि मूंगों का कंकाल किसका बना होता है पहली बात तो मूंग क्या होते हैं तो ये दाल वाले मूंग नहीं है जो हम खाते हैं नहीं भाई ये है सिलेंट ठीक है हम लोगों ने काफी हद तक एनिमल किंगडम कर लिया है कुछ लेचर्स पड़े हैं लेकिन काफी हद तक कर लिया है तो सबसे पहले पोरीफेरा पढ़ा था जिस जिसपे हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन देखा था कि पोर बियरिंग कौन होते हैं छिद्र वाले कौन होते हैं पोरीफेरा अब क्वेश्चन आ रहा है सिलेंट कौन है तो सिलेंट वो होते हैं स्टूडेंट्स जो कि जैसे जो वॉशरूम्स के अंदर नहाने के समय एक स्पंज यूज नहीं किया जाता उसी तरह से कुछ दिखने में ये होते हैं कॉरेल्स ठीक है ये किसके बनते हैं फिलन ग्रुप के अंदर आते हैं और ये कोरेल बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के किसके बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी सी ए फी ओ थ्री यानी चूना पत्थर के बने होते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी हमारे पास है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन ओनली वन ऑफ द स्पीशीज इज बेनिफिटेड निम्नलिखित में से किस अनो, अनोन्य क्रिया में केवल एक प्रजाति को लाभ होता है तो सिर्फ एक को लाभ होता है पर जीविता यानी पैरासिटीजम में देखो कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है कॉम्पिटिशन यानी प्रतिस्पर्धा जब दोनों आपस में लड़ते हैं उसे बोलते हैं ठीक है मतलब कोई एक जगह है वहां पर यह भी रहना चाहता है और ये भी रहना चाहता है उसे बोलेंगे कॉम्पिटिशन अगर क्वेश्चन आ जाए म्यूचुअलिज्म क्या है परस्परता क्या है तो परस्परता क्या होती है स्टूडेंट्स जब दोनों का फायदा हो रहा हो ठीक है जैसे कि लाइकन जैसे कि लाइकन ठीक है लाइकन में क्या होते हैं एल्गी और फंजाई यानी शवाल और कवक इकट्ठे रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा करते हैं एक दूसरे को शेल्टर देता है दूसरा दूसरे को खाना पानी देता है तो वो क्या है म्यूचुअलिज्म यानी दोनों आपस में एक दूसरे का साझेदारी कर रहे हैं लेकिन पैराफिटिज्म क्या होता है कि आपकी बॉडी पर कोई रह तो रहा है लेकिन उससे उसको ही फ़ायदा हो रहा है सिर्फ जैसे कि जूं लाइफ जो होती है वो क्या करती है वो खून पीती है ठीक है तो वो किसको फ़ायदा होता है लाइफ को फ़ायदा होता है तो वो पैराफिटिज्म है ठीक है तो ऐसा कौन सा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को फ़ायदा होता है वो है पैराफिटिज़्म क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है साइंस का क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए थिक क्यूटिकल ऑन देयर देयर सरफेस एंड हैव स्टोमेटा इन डीप पिट पृष्ठ पर मोटी छाल और धसे हुए व्यवस्थित रंध्र डैश की विशेषता है यानी कि ऐसी पत्तियों वाले पौधे जिनके अंदर क्यूटिकल तो होती है मोटी क्यूटिकल मतलब परत जो है ऊपर वाली वो क्या है मोटी ठीक है और दूसरी चीज़ जो उनके छिद्र होते हैं यानी या मैं बोलूँ रंध्र होते हैं स्टोमेटा होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं वो कौन होते हैं तो आपको देखो याद रखना है हमेशा स्टोमेटा का कार्य का क्या होता है स्टोमेटा का कार्य का होता है पानी का लॉस करवाना ट्रांसपिरेशन करवाना ठीक है अब स्टोमेटा जिसमें अंदर होंगे वो क्यों होंगे ताकि पानी का लॉस कम से कम हो और पानी का लॉस कौन कम चाहता है जिसे पानी कम मिले और कम किसे मिलेगा जो जो हमारे मरुस्थलीय पादप होंगे जो डेजर्ट में रहने वाले यानी सूखे में रहने वाले पौधे होते हैं ना उनके अंदर ऐसा होता है ठीक है और क्यूटिकल का मोटे होने का भी यही फायदा है कि वो जो है वो पानी का लोस <coughs> <coughs> कम करेंगे ठीक है तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी डेजर्ट प्लांट्स क्लियर है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैक्टस हो गया हमारा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61 क्वेश्चन नंबर 61 क्या है देखिए डैश इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड निम्न में से एक उभय धर्मी ऑक्साइड है उभय धर्मी का मतलब क्या होता है जो एसिडिक भी है और बेसिक भी अम्लीय भी है और शारीय भी तो याद रखना दो चीजें जनाबे जनाबे आली जनाबे आली याद रखना और इससे याद रखो ये दोनों ही एम्फोटेरिक है जनाबे यानी जिंक की जितनी भी ऑक्साइड होती है जफ्ते की ऑक्साइड होती है वो एम्फोटेरिक होती है और आली यानी एल्यूमिनियम की जितनी भी ऑक्साइड होती है वो क्या होती है उभयधर्मी यानी एम्फोटेरिक तो आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम दिख रहा है ए एल टू ओ थ्री इसका आंसर चला गया एल्यूमिनियम की ऑक्साइड जो है वो क्या है एम्फोटेरिक है यानी एसिड और बेस दोनों का कार्य करती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन देखो बीमारियों से मैंने कहा था क्वेश्चन जरूर आता है और देखो यहाँ पर भी आया हुआ है काला अजार डिस काला आजार डिसीज कोफ बाय काला आज रोग किसके द्वारा होता है तो काला आज किसकी वजह से होता है लिच मनिया दोनों वाणी की वजह से होती है लिच मनिया दोनों राइट आंसर चला जाएगा ठीक है इसके अलावा आपको दिख रहा है एनाफिलीस एनाफिलीस क्या है मादा एनीफिलीस मच्छर जिससे कि मलेरिया फैलता है एलिफेंटिया जिससे हाथी पाओं की बीमारी होती है ठीक है फिलेरियल वोम से और मलेरिया जिससे ये होता है किससे होता है प्लास्मोडियम से और फैलता है एनाफिलीज से ठीक है तो काला आजार आपको याद रहेगा काला आजार किससे होता है लिच मनिया दोनों वाणी से होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर रहा सेवेंटी फोर क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर हमारे पास क्या है देखिए डैश इज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज रफली हंड्रेड टाइम एस स्वीटेस्ट केन शुगर यानी ये क्या बोलना चाहता है डैश सर्वाधिक सफल और बहुत रूप से प्रयोग की जाने वाली कृत्रिम शक्कर है जो मोटे तौर पर गन्ने की शक्कर के से सौ गुना अधिक मीठी है यानी गन्ने में जो शुगर मिलती है उससे सौ गुना ज़्यादा मीठी है कौन सी चीनी याद रखना एस्पार्टेम ठीक है देखो एलिटेम आपको दिख रही है सेकरीन आपको दिख रही है सुक्रलोज आपको दिख रही है ये भी आर्टिफिशियल है लेकिन एस्पार्टेम सबसे मीठी है ठीक है तो आंसर क्या जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए पवन और सूर्य से नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए के द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा एक शून्य कार्बन ईंधन बनता है उसे क्या कहते हैं तो देखो उसे हरित हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइंस का है ओके क्वेश्चन नंबर एटी आपको दिख रहा है ये है हमारे पास न्यूमेरिकल देखिए क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देखिए क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ क्वेश्चन नंबर एटी द एफिशिएंसी ऑफ कारनट इंजन इफ फिफ्टी परसेंट एंड टेम्परेचर ऑफ़ सिंक इज फाइव हंड्रेड कैलविन इफ द टेम्परेचर ऑफ़ फोर्स इज कैप्ट कॉन्स्टेंट फोर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट यानी कि जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं ना वो हमने क्या कर दिया कॉन्स्टेंट रख दिया नियत रख दिया तो एफिशियंसी कितनी हो गई साठ प्रतिशत हो गई ठीक है अब टेम्परेचर ऑफ सिंक बताओ यानी क्वेश्चन क्या है देखिए क्वेश्चन यह है कि एक कार्नेट इंजन है जिसकी दक्षता कितनी है पचास प्रतिशत है और सिंक का ताप पांच सौ कैलविन है यदि स्त्रोत का ताप यानी जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं उसे नियत रखा जाता है तो इसकी दक्षता साठ प्रतिशत बढ़ जाती है सिंक का वांछित ताप होगा ठीक है यानी साठ परसेंट बढ़ने के बाद फिंक का ताप क्या होगा देखो इसके लिए आपको कैसे करना होगा ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा देखो कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है ना उसे ईटा से लिखते हैं एन से ठीक है वो बराबर होती है वन माइनस क्या होती है वन माइनस टी टू बाय टी वन अब यहाँ पे टी टू क्या है तो टी टू है हमारा सिंक का टेम्परेचर और टी वन है हमारा फोर्स का टेम्परेचर ठीक है अब देखो इन्होंने क्वेश्चन की शुरुआत की कि एफिशिएंसी हमें कितनी दी हुई है पचास प्रतिशत दी हुई है तो एफिशिएंसी जब प्रतिशत में दी हो ना तो हमेशा उसके नीचे सो लगा देना आपको ठीक है बराबर वन माइनस टी टू सिंक का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है इन्होंने पांच सौ कैल्विन दिया हुआ है तो मैंने सिंक की जगह पाँच लिख दिया फोर्स का टेम्परेचर हमें दिया ही नहीं हुआ तो टी फोर्स का हमें निकाल लेते हैं ठीक है पहली आपको दो केसेस बनाने पड़ेंगे यहाँ पे स्टूडेंट समझ रहे हो आप पहले में आपको एफिशिएंसी पचास प्रतिशत पता है दूसरे में आपको एफिशिएंसी साठ प्रतिशत पता है पहले का आपको सिंक का तापमान पता है सोर्स का नहीं पता दूसरे का उसने क्या बोला है कि सोर्स का वही रखते हैं यानी जो यहाँ से आप सोर्स का तापमान निकालोगे ना ये टी वही दूसरे का सोर्स का तापमान होगा और वहां से सिंक निकल जाएगा ठीक है कैसे देखो एक बार अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग देखिए क्या लिखा मैंने मैंने लिखा फिफ्टी बाय हंड्रेड बराबर वन माइनस पाँच सौ बाय टी टी निकालना है यहाँ पे हमें तो इसको सोल्व कर लो देखो जीरो से जीरो गया ये गया वन बाय टू ठीक है यहाँ से हम कर सकते हैं क्या हम कर सकते हैं पाँच सौ बाय टी को तो यहाँ रख देते हैं और वन माइनस वन बाय टू कर लेते हैं ठीक है तो कितना आ गया पाँच सौ बाय टी बराबर आ गया वन बाय टू तो टी कितना आ गया टी आ गया हज़ार सही बात है इतनी टी यहाँ से हज़ार आ रहा है ना एक हज़ार कैलविन हमारा टी आ गया ठीक है अब हम क्या करेंगे देखो दूसरा केस लेंगे दूसरे में हमें एफिशिएंसी कितनी दी हुई है साठ प्रतिशत दी हुई है वन की जगह वन टी टू हमें निकालना है और टी वन अभी अभी कितना निकाला है हज़ार कैलविन निकालना है ना बस इसको सॉल्व करना है दोबारा फिर जैसे वो किया था वैसे यही करेंगे ठीक है चलिए कर देते हैं सॉल्व जीरो फिर जीरो गया ये गया थ्री पे ये गया फाइव पे तो वन माइनस थ्री बाई फाइव बराबर कितना हो जाएगा टी टू डिवाइड बाई हज़ार है ना ये कितना आ गया ये आ गया टू बाय फाइव गुना हजार को मैं ऊपर ले जाऊं ले जाओ भाई इज इक्वल टू टी टू ये गया पाँच की टेबल पे दो सौ पे तो टी टू कितना आ गया चार सौ कैल्विन टी टू आ गया ठीक है आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा नहीं आया तो टेंशन नहीं लेनी है मैं बोलती हूँ ना टेंशन नहीं लेनी है हम लोग अभी ग्राम सचिव की सीरीज़ करेंगे और उसके अंदर ऐसे कई क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी ठीक है अलग अलग वैल्यूज रख रख के ईजी से लेकर टफ लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगी ठीक है वैसे इससे टफ लेवल आपको नहीं मिलेगा देखने को ठीक है और देखा जाए तो ये भी ईजी था बस समझने की बात थी कि आपको दो केसेस बनाने हैं एक ही सब कुछ पुट नहीं करना ठीक है और फॉमूला पता होना चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर देखते हैं चलिए तो यहाँ पर साइंस के जो क्वेश्चन है ओके okay, एक क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर एटी नाइन देख लेते हैं ये भी क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर एटी नाइन एटी एट भी देख लो भैया जीके का क्वेश्चन है लेकिन हम इसको इसमें भी कर सकते हैं अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड इस इंस्टीट्यूटेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोर अमृता देवी पुरस्कार किस लिए मिलता है अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार तो ये पेड़ों के लिए मिलता है तो वन्य जीव संरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आंसर जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिररर एक कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है एक अव अवतल उत्तल दर्पण दिया हुआ है उसका आपको फोकल लेंथ दी हुई है और रेडियोस ऑफ कर्वेचर सॉरी फोकल लेंथ निकालनी है रेडियोसोफर कर्वेचर दिया हुआ है तो देखो हमेशा याद रखना कि जो कर्वेचर होता है ना वो फोकल लेंथ का डबल होता है ठीक है तो कर्वेचर आपको कितना दिया हुआ है बत्तीस तो फोकल लेंथ कितनी आ गई तो इसको मैथ ना भी लगाओगे ना तो भी हो जाएगा सोलह आ गई हमेशा फोकस लेंथ जो होती है वो कर्वेचर से आधी होती है ठीक है जैसे कि अगर मैंने ये एक मिरर बना दिया आपको ठीक है अगर ये फोकस है और ये करवेचर है तो हमेशा अगर ये फोकस एक्स दूरी पे होगा ना तो कर्वेचर हमेशा कितना होगा टू एक्स होगा ठीक है कर्वेचर हमेशा फोकस का डबल होता है जैसे कि डायमीटर और रेडियस होता है ना अगर मैं इसको पूरा सर्कल बना दूँ तो ये डायमीटर हो गया ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ और इसको रेडियस मान लो तो डायमीटर का आधा क्या हो गया रेडियस हो गया ठीक है चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पेपर थ्री था ये हमारा मॉर्निंग शिफ्ट का अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे ठीक है चौथा पेपर करेंगे हम इकतीस अक्टूबर की मॉर्निंग शिफ्ट का चौथा पेपर ठीक है सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमारे पास देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टीन हमारे पास क्या है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था अगेन ये ठीक है क्या क्वेश्चन है देखिए यस क्वेश्चन है द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन बाय फाइव इज इक्वल टू टेन टी का स्क्वेयर माइनस फिफ्टी टी प्लस टू फिफ्टी देन इंड्यूस्ड ई निकालना है ठीक है आपको किसी टी समय पर कुंडली के साथ जुड़ा बहाव दिया हुआ है और आपको ई एम एफ निकालना है टी ती बराबर तीन सेकेंड पर ठीक है ये क्वेश्चन आपको लगेगा टफ लेकिन जैसे मैं करवाऊंगी ना आपको बिल्कुल वैसे करना है ठीक है देखो ई एम एफ निकालने का तरीका क्या होता है ई एम एफ जो होता है स्टूडेंट उन्हें उसे याद रखिएगा वो होता है डी फाइ बाय डी टी यानी जो आपको ये फाइल दिया हुआ है ना बाई डी आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अब आप सोचोगे कि मैम ये तो इक्वेशन दी हुई है इसे कैसे सोल्व करें बहुत ही सिंपल देखो इक्वेशन क्या है देखते एक सेकेंड इन इक्वेशन दी हुई है ये टेन टी स्क् माइनस फिफ्टी टी प्लस टू फिफ्टी ये इक्वेशन दी हुई है जब भी इसका डिफ्रेंशिएशन हो देखो डी फाइव बाई डी टी मतलब मैं इसको कर सकती हूँ डी ए फाइव हो गया ये और बाय डी टी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बिल्कुल लिख सकते हो तो यानी हमें करना क्या है इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करना है क्या बोल रहे हो मैम कुछ समझ में नहीं आया मत समझो अब ऐसे समझो भाड़ में जाने दो क्या होता है डिफ्रेंशिएशन भाड़ में जाने दो सारी चीज़ों को आप सिर्फ मेरी बात को समझिए देखो हमें इक्वेशन दी हुई है ये दिख रहा है रेड कलर ही ले, ले लेते हैं यार ये दिखता नहीं है ना टेन टी स्क्र माइनस फिफ्टी टी प्लस टू फिफ्टी टी से इनको डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है देखो जो भी टी के ऊपर ये पावर दिखे ना इस पावर को आगे रख दो ये मैंने आगे रख दी मल्टीप्लाई में जो वैल्यू है वो वैल्यू रख दो ठीक है देखो मैंने पावर को आगे रख दिया वैल्यू को वैल्यू रख दिया और टी की जगह पे टी पड़ा रहने दो ठीक है पावर को आगे रख दिया टेन की जगह टेन और टी की जगह पे टी माइनस पावर को आगे रखना इसके ऊपर पावर क्या दिख रही है आपको पावर तो कुछ भी नहीं है ठीक है तो वन गुना फिफ्टी अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा देखो यहाँ पर दो टी थे ना टी का स्क्वेयर था इसीलिए मैंने एक टी रख लिया था यहाँ पर एक ही टी है तो एक भी टी नहीं आएगा प्लस देखो टू फिफ्टी के उस तो टी नहीं है तो ये तो जीरो ही हो जाएगा दोबारा सुनो मैंने क्या किया टेन टी स्क्वेयर को देखो मैंने क्या किया टेन टी स्क्र को मैंने टू इफ टू को आगे ले गई फिर टेन और टी का स्क्वेयर था ना एक एक टी लगा दिया बस टी यानी ट्वेंटी टी आ गया ठीक है उसी तरीके से मैंने फिफ्टी टी का क्या किया तो टी की पावर वन है तो वन गुना फिफ्टी और टी ए ही था वो एक तो चला ही गया तो फिफ्टी लगा दिया ठीक है अगर आपको दिया होता मान लीजिए टेन टी का क्यूब तो क्या करते आप तो थ्री को आगे लाते थ्री गुना टेन और टी तीन थे ना तो दो ही बचते टी स्क्वेयर समझ रहे हो चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से मैंने लिख दिया ट्वेंटी टी माइनस फिफ्टी बराबर क्या आ गया ई एम एफ आ गया और टी कितना दिया हुआ है थ्री सेकंड टी दिया हुआ है ना तो टी की जगह थ्री भर दो कितना आ गया सिक्सटी माइनस फिफ्टी बराबर टेन सेकेंड सॉरी टेन वोल्ट आंसर आ गया हमारे पास ठीक है अब क्वेश्चन आता है मैम माइनस कहां से आया तो ये माइनस कहाँ से आया स्टूडेंट्स ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी क्या देखिए माइनस कहाँ से तो माइनस कहाँ से आया माइनस देखो यहां से आया मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि ई का फॉर्मूला होता है डी फाइव बाई है ना लेकिन एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है माइनस डी फाइव बाई डी ये इसका ना फॉर्मूला होता है फिर मैंने क्या किया मैंने कुछ भी नहीं किया देखो माइनस की जगह पे माइनस रख दिया डी फाइव की जगह डी लिखा और फाइव की जगह हमारे पास वैल्यू दी हुई है टेन टी स्क्र माइनस फिफ्टी टी प्लस टू फिफ्टी डिवाइड बाय मैंने रख दिया डी टी ठीक है फिर मैंने क्या किया मैंने इसको थोड़ा और सॉल्व किया सॉल्व करने पे मैंने क्या किया टेन टी स्क्र को मैंने लिख दिया ट्वेंटी टी और फिफ्टी टी को लिख दिया फिफ्टी ठीक है फिर मैंने टी की वैल्यू पुट की तो ये आ गया सिक्सटी माइनस फिफ्टी यानी आ गया टेन लेकिन ये माइनस तो अभी तक पड़ा है ना तो ये माइनस टेन हमारे पास आंसर आ गया समझ में आ गया हमने क्या किया इस क्वेश्चन में आई होप समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर हमारे पास साइंस का है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है पॉइंट वन मिलीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज जो वेवलेंथ यूज की गई है लेम्डा जो है वो क्या है फोर इन टू टेन की पावर माइनस सेवन मीटर इफ़ द विथ ऑफ द फ्रिंज ऑन स्क्रीन इफ चार मिलीमीटर यानी कि जो फ्रिंज बनी है ठीक है जो पटल के ऊपर पटल में सीमांत की चौड़ाई है वो कितनी है चार मिलीमीटर mm है तो स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस निकालना है ठीक है चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है देखो हमें डी दिया हुआ है क्या दिया हुआ है डी डी हमें दिया हुआ है पॉइंट वन मिलीमीटर ठीक है है इतना हमें दिया हुआ है. फिर हमें लेमडा भी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4 10 की पावर माइनस फोर मिलीमीटर लिख सकती हूं क्योंकि मिलीमीटर के में करने के लिए हमने क्या किया तीन जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया यानी थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर लैमडा ये आ गया बिटा हमें क्या दिया हुआ है यानी कि फ्रिंज कहां पर जाके बनी कितनी दूरी पर चार मिलीमीटर mm पे बनी हुई है ये चीजें हमें क्वेश्चन में पता है अब हमें लगाना है फॉर्मूला फार्मूला क्या है देखिए फार्मूला होता है बीटा बराबर ये जो बीटा है ये होता है कि कहाँ कितनी दूरी पर क्या बनी है फ्रिंज बनी है ठीक है स्क्रीन के ऊपर कहाँ पर इमेज में ये बनी है ठीक है तो ये होती है लेमडा डी बाय डी कैपिटल डी बाई डी लेमडा मतलब क्या हुआ वेवलेंथ बीटा मतलब क्या हुआ कि फ्रिंज की विड्थ यानी कितनी चौड़ी फ्रिंज बनी है डी क्या है स्मॉल डी क्या है तो स्मॉल डी है दोनों स्लिट के बीच का डिफरेंस ये स्मॉल डी क्या है दोनों स्लिट के बीच की दूरी जो है दोनों दरारों के बीच की जो दूरी है ना उसे स्मॉल डी से लिखते हैं और कैपिटल डी क्या है स्टूडेंट्स तो ये है हमारी स्लिट और हमारी स्क्रीन के बीच की दूरी ठीक है अब हम बस हमें इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है चलिए पुट करते हैं तो हमने देखिए बीटा क्या दिया हुआ है हमें हमें बीटा दिया हुआ है चार एम एम तो चार लिख दिया ठीक है फॉर्मूले में क्या था लेम्डा तो लेम्डा कितना दिया हुआ है चार गुना दस की पावर माइनस चार मिलीमीटर कैपिटल डी ही तो हमें निकालना है और स्मॉल डी क्या दिया हुआ है स्मॉल डी हमें दिया हुआ है पॉइंट वन मिलीमीटर ठीक है सोल्व कर दो चार से ये चार कट गया ये पॉइंट वन ऊपर चला गया दस की पावर माइनस चार नीचे चला गया तो ये कट के आ गया कितना ये आ गया दस की पावर तीन मिलीमीटर mm, और दस की पावर तीन मिलीमीटर mm किसके बराबर होता है एक मीटर के तो ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर समझ लो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बस फॉर्मूला लगाया और आंसर हमें मिल गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन देखिए क्या है यस yes, दीर्घावर्धिक यकृत हानि डैश कहलाती है यानी क्रॉनिक लीवर डैमेज जो बहुत बुरी तरीके से लीवर यकृत खराब हो जाता है उसे क्या बोलते हैं सीरोसिस की बीमारी बोलते हैं याद रखना सीरोसिस ठीक है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इन केस ऑफ एन ओर कंटेनिंग सेडेनिस एंड पी बी एक ओर है जिसके अंदर जिंक सल्फाइड है और लेड सल्फाइड है तो डिप्रेसेंट कौन सा यूज किया जाएगा यानी साधक कौन सा यूज किया जाता है और को निकालने के लिए तो याद रखना एन ए सी एन सोडियम सायनाइड यूज़ किया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखो केमिस्ट्री के ना ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ज्यादातर याद रखने होते हैं ठीक है ये क्वेश्चन भी याद का ही आएगा देखो हमने ये चैप्टर अभी तक नहीं किया ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट पिरामिड कौन सा हमेशा अपराइट होता है तो याद रखना ऊर्जा का हमेशा पिरामिड अपराइट होता है क्योंकि ऊर्जा जो होती है ना हर स्तर में हमेशा घटती है ऊर्जा हर स्तर में हमेशा घटती है देखो सूरज ने सन ने हमें ऊर्जा दी पौधों को पौधों में कम ऊर्जा आई फिर पौधों को जो खाएगा उसमें और कम ऊर्जा जाएगी फिर आगे और कम ऊर्जा जाएगी जो टेन परसेंट लो होता है ना वो वाला लो चलेगा तो ऊर्जा हमेशा स्तर घटता चला जाता है इसीलिए ऊर्जा का जो पिरामिड होता है यह हमेशा अपराइट रहता है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर्टी देखिए क्या है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबोलिज्म इन द बॉडी इज रेगुलेटेड बाय द हॉर्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का उपा पचय डैश हॉर्मोन द्वारा नियमित होता है तो याद होगा आपने थायरोक्सिन में हमने किया था बी के बारे में बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में हमने बात की थी वो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म देखता है कौन थायरोक्सिन हॉर्मोन कौन ऑप्शन सी थायरोक्सिन हॉर्मोन जो कि थाइरॉयड ग्रंथि से अवटू ग्रंथि से निकलता है जो कि गले में होती है ठीक है जो कि गले में होती है इंसान के अवटु ग्रंथी जिसके पीछे की तरफ यहाँ पर पैराथायरॉयड ग्रंथी होती है वही थाइरॉयड ग्रंथी जो तितली के आकार की होती है ठीक है उससे निकलता है थायरोक्सिन और इसी में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग भी होता है याद है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहाँ पर है यस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन लिटमस का रंग क्या होता है भाई लिटमस का रंग होता है पर्पल बैंगनी कलर होता है ठीक है ये क्वेश्चन बार बार बताया लिटमस किससे मिलता है लाइकन से इसके दो कागज बनते हैं एक होता है लाल कागज एक होता है नीला कागज लाल कागज को ब्लू कौन कर देता है बेस और ब्लू को लाल कौन कर देता है एसिड यानी अम्ल याद है बात आपको लिटमस का रंग क्या होता है बैंगनी ये बात बार 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 याद दिलवाई जाती है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हु वो द हु वोज कोल्ड द फादर ऑफ एनेटमी तो याद करने वाला क्वेश्चन है हेरोफिलस को फादर ऑफ एनेटमी कहते हैं एरि टोटल अरफ्तू कौन है अरफ्तू भाई हमारे जूलॉजी के पिता हैं ठीक है हिपोक्रेट्स कौन है हिपोक्रेट्स मेडिकल साइंस के यानी कि जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ना उनके पिता हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या आता है क्वेश्चन नंबर सिक्सटी थ्री होमोसेपियंस बिलोंग टू द फैमिली किस परिवार से बिलोंग करते हैं होमोसेपियन यानी कि हम तो याद रखना है होमिनिडे होमी से बिलोंग करते हैं देखो यहाँ पर स्पेलिंग की बातें आ जाती हैं मैंने बोला है ना कि एच को अब स्पेलिंग भी याद करनी है मतलब एच एस चाहती है कि आप लोग स्पेलिंग भी याद करें तो ध्यान रखिए स्पेलिंग के बारे में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नोटो किसमें होती है भाई ये क्वेश्चन तो मैंने रिपीट मोशन पे अब करवा दिया क्योंकि अब तो ये नोट्स भी हो गए हैं तो नोटो किसमें होती है कॉडेट्स में होती है नोटो इन्हीं के अंदर होती है वर्टिब्रल कॉलम इन्हीं के अंदर होती है मेरू रज्जू फाइनल कोड है ना इन्हीं के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं ग्रफनी गलफड़े होते हैं ठीक है तो कॉडेट्स uh, या फिर इन्हीं को कह देते हैं क्या नोटोकोड एनिमल्स भी कह देते हैं इन्हें ठीक है तो ये कौन है ये है वर्टिब्रेट्स भी कह देते हैं इन्हें कशेरुकी भी कह देते हैं इन्हें वही है इसका आंसर कोडेट ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एपोगेमी इज कॉमन इज एपोगी किसमें होती है भाई एपोगेमी उसमें होगी जिसमें कोई गैमीट ही नहीं होते अब साइकस है तो वो एक जिम्नोफर्म है इसमें एपोगेमी नहीं होगी टमाटर एक एनजियोफर्म है इस पर एपोगैमी नहीं होगी एफिग्नेटम में भी नहीं होगी फर्म्स यानी कि फर्म्स का मतलब क्या होता है टेरिडोफाइट और टेरिडोफाइट कौन थे टेरिडोफाइट थे हमारे क्रिप्टोगैम जिनके अंदर बीज नहीं होते जिनके अंदर गैमीट नहीं होते तो टेरिडोफाइट कौन होते हैं एपोगेमी शो करेंगे यानी आंसर चला जाएगा फर्न ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन हमारा साइंस का है क्वेश्चन नंबर एक्वेटिक मैमल्स इन पोलर सी थिक लेयर ऑफ फैट नोन ध्रुवीय सागरों में जलीय संधारियों में एक वसा की मोटी परत होती है उसे ब्लबर कहते हैं क्या कहते हैं ब्लबर वेल के अंदर होती है ये बहुत ज्यादा ठीक है वेल के अंदर होती है ब्लबर कहते हैं इसे ठीक है चलिए तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता पेपर भी कंप्लीट हो जाता है तो हमने इकतीस अक्टूबर के सुबह के चारों पेपर कंप्लीट कर लिए अब हम आ गए हैं इवनिंग शिफ्ट के पेपर के ऊपर ठीक है तो हम अब हम डिस्कस करेंगे इकतीस अक्टूबर का इवनिंग शिफ्ट का पेपर ठीक है ये पेपर कर लेते हैं देन नेक्स्ट पेपर नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो क्वेश्चन ढूंढते हैं भाई हमारा साइंस का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन जो है हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है याद करने वाला क्वेश्चन है देखो पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लेटिव जो सिंपल क्यूबिक लेटिव होते हैं सरल घनीय जलिकाएं होती है इसको मैं ना कोशिश करूंगी आपको याद करने के लिए ये दे दूँ ठीक है उसका एफिशिएंसी कितनी होती है यानी उसके अंदर कितनी पैकिंग हो सकती है तो आपको याद रखना है फिफ्टी टू पॉइंट फोर प्रतिशत उसमें पैकिंग होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर एटीन दिख रहा है बायो का वेन ऑस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज जब जो ऑफ स्प्रिंग है जो संतान है उसकी उत्पत्ति अकेले जनक द्वारा हो जाए यानी कि माता पिता की आवश्यकता ही नहीं है एक ही पेरेंट चाहिए तो वो क्या होता है ए सेक्शुअल यानी अलैंगिक जनन ठीक है ए सेक्शुअल यानी कि अलैंगिक जनन देखो पैरा -sexual, पूरे पुरोसेक्शुअल में मत पढ़ना ट्रांससेक्शुअल क्ल में मत पढ़ना क्योंकि आपके पेपर में दो ही चीजें पूछी जाती है ए सेक्शुअल और सेक्शुअल जब गैमीट की आवश्यकता हो जब दो पेरेंट चाहिए हो जब एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए एक नर चाहिए एक मादा चाहिए जब स्पर्म चाहिएगा और ओवम भी चाहिएगा जब शुक्राणु अंडाणु दोनों चाहिए तो होगा सेक्शुअल अदरवाइज ए सेक्शुअल होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्मेंटेबल शुगर बाई ईस्ट एंड बैक्टीरियम खमीर की मदद से क्या बनाया जाता है चीनी को फर्मेंट करके तो याद होगा देखो ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर ईस्ट की ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की एबसेंस में क्या बनाता है सी टू एच फाइव ओ एच यानी इथेनॉल बनाता है यानी दारू यानी शराब बनाता है तो शराब कैसे बनती है शराब बनती है फर्मेंटेशन से यानी किनवन की प्रक्रिया से बनती है और किसकी वजह से खमीर की वजह से ऑक्सीजन की एब्सेंस में इसे अवायु फशन भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं ठीक है ये मैंने आपको डिटेल में करवा रखा है रेस्पिरेशन चैप्टर में चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है साइंस का देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या है देखिए फोर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऑफ वाटर बिकम मोर इंपॉर्टेंट जलीय जीवों के लिए जल की डैश अधिक महत्वपूर्ण होती है तो जल की क्वालिटी ही देखो क्वांटिटी अब देखो मछली एक बहुत बड़े समुद्र में हो या एक छोटे से तालाब में हो पानी में रहने से मतलब है उसे ठीक है क्वालिटी जरूरी है पानी साफ होना चाहिए पानी जहरीला नहीं होना चाहिए तो क्वालिटी ज़रूरी है उसको ठीक है पानी में लाल रंग घोल दोगे तो भी वो उस पानी में रह लेगी लेकिन क्वालिटी गुणवत्ता होनी चाहिए ठीक है तो जलीय जीवलों के लिए क्वालिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पानी की रहने के लिए उसके अंदर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का हमारे पास क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंच गए हम यस क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन देखिए क्या है इन एनिमल्स व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रो द सेंटर एक्सेस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिजम इनटू टू आइडेंटिकल हाफ उसे क्या कहेंगे देखो अगर आपको साइंस नहीं भी आती ना तो भी ये क्वेश्चन कर देना चाहिए अगर आपको मैथ आता है तो क्या ये क्वेश्चन देखिए जानवरों में जब शरीर के, के केंद्र अक्ष से गुजरने वाला कोई भी फतह जीव को दो समान भागों में विभाजित कर दे यानी कि कोई भी केंद्र से कटने वाला यानी कि आप ऐसे काट दो आप ऐसे काट दो आप ऐसे काट दो आप ऐसे काट दो मतलब सें सेंटर से कोई भी लाइन जाए और जीव को दो हिस्सों में बांट दे ऐसे को क्या बोलते हैं तो ऐसे को रेडियल समरूपता यानी रेडियल सिमेट्री बोलते हैं देखो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे थ्योरी मतलब मैंने अब एनिमल किंगडम करवाने में थोड़ी देरी कर दी इस वजह से पहले नहीं हो पाएंगे लेकिन अब मैं आपको ये चैप्टर करवा चुकी हूँ तो अब ये क्वेश्चन आपका किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए ठीक है बाईलेटरल का मतलब क्या था जैसे हम इंसान होते हैं जिसकी बॉडी सिर्फ एक ही जगह से दो हिस्सों में कटती है जैसे हमारी बॉडी है ठीक है आप सभी जानते हो कि हमारे इस तरीके से बॉडी है हमारी ठीक है तो ये ऐसे कटेगी तभी तो दो ही आएंगे ना ऐसे काट दोगे तो दो हाथ ऊपर दो पैर नीचे ठीक है तो वो होती है बाईलेट्रल सिमेट्री रेडियल का मतलब है जो चारों तरफ एक जैसी हो ठीक है जैसे कि एक सर्कल को आप काट दो तो, ठीक है चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर यस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू हमारे पास है देखिए द कॉमन इंडियन अर्थवोम आर इंडियन अर्थवोम को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स तो फेरेटिमा भी कहते हैं और लुम्ब्रिकस भी कहते हैं दोनों उसी के नाम है केचए के ही नाम है ठीक है तो ए और बी दोनों इसका आंसर जाएगा फेरेटिमा भी Uh, केचुए का ही साइंटिफिक नेम है और लुम्ब्रिकस भी उसी का नाम है ठीक है क्लियर है तो ये चीज याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ऑन्स ऑफ टर्बुलेंस इन अ लिक्विड इज डिटर्माइंड बाय ठीक है लिक्विड में टर्बुलेंस यानी एक द्रव में विश्रोभ कितना है ये निर्धारण कौन करता है तो रेनोल्ड की संख्या रेनोल्ड एक साइंटिस्ट है जो कि बताते हैं टर्बुलेंस के बारे में कि पानी जो होता है वो विश्रोभ क्यों उत्पन्न करता है ठीक है इसकी डिटेल हम आपको विस्कोसिटी के साथ करवाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब याद कर लो सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइंस का हमें मिलेगा कहाँ पे भाई ढूंढ लेते हैं ये द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सिक्सटी सेवन क्या है देखिए क्वेश्चन द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू अ प्लेसेंटा बाई मीन्स ऑफ अ स्टोक कॉल्ड ठीक है यानी कि बीजांड एक छोटी संरचना है जो दंडल के माध्यम से बीजांड आसन से जुड़ी होती है ठीक है ओव्यूल जो होती है वो प्लेसेंटा से देखो इस तरीके से ना ये ओवरी का पोर्शन होता है स्टिग्मा फाइल ओवरी में ये ओवरी होती है ये वाली ठीक है ये गोल वाली इसी के अंदर होता है यहाँ पे ओव्यूल ठीक है और यहाँ पर यहीं पे होता है प्लेसेंटा और यहीं पे ये वाला जो पोर्शन होता है ना स्टूडेंट इस पोर्शन को कहते हैं यहाँ पे फ्यूनिकल निकलती है एक क्या निकलती है फ्यूनिकल जो कि ओव्यूल को जोड़ती है प्लेसेंटा से तो ऑप्शन डी इसका आंसर चला जाएगा फ्यूनिकल ठीक है फ्लावर हमें करना है बस अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको ये ठीक है बस फ्लावर ही करने वाले हैं अब आगे हम एक बार बस ये पेपर खत्म होते हैं फिर हम चलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्विस्टिज ट्विस्टेड इज सीन इन विच प्लांट तो ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है कपास कॉटन के पौधे में पुष्प दल विन्यास मिलता है हमें यानी कि पुष्प जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार से अरेन्ज होते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है? देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का कोई क्वेश्चन दिख रहा है क्या आप लोगों को रीफनिंग आ गई यस, yes, ये रहा क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइनटी वेजिटेबल वेस्ट एंड सी वेज आर डिकम्पोस्ड इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव देखो जब भी वनस्पति अपशिष्ट और मल जल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब वो डिकम्पोजिशन होता है ना तो बनती क्या है बायोगैस बनती है क्या बनती है बायोगैस बनती है ठीक है तो ये थे हमारा क्वेश्चन पेपर ठीक है इकतीस अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट का पहला पेपर हमारे पास ये था अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इवनिंग शिफ्ट का जो है सेकेंड थर्ड और फोर्थ पेपर कर लेंगे ठीक है मतलब टारगेट बनाते हैं तीन पेपर तो एक क्लास में करेंगे ही करेंगे कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा भी हो जाए ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्टी फर्स्ट अक्टूबर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे फिर आगे की क्लास में हम एक और दो के पेपर ले लेंगे ठीक है तो आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और साथ ही साथ आपकी थ्योरी क्लासेस भी आने वाली हैं और ग्राम सचिव की स्पेशल क्लासेस भी आने वाली हैं तो बने रहिए नेक्स्ट क्लास अब आपको ग्राम सचिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही मिलने वाली है तो रेडी रहिए उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए और चैनल को ले लाइक कर दीजिए चैनल को अच्छा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ठीक है टेक केयर थैंक यू बाय बाय पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो